हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो का जो हमारा विषय है, यानी हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है किशोरों की विशेषताएं भाग एक, यानी कि शारीरिक विशेषताएं। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें कि दो पार्ट है, उनकी शारीरिक विशेषताएं और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। तो भाग एक में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे आज कि कौन कौन सी वो शारीरिक विशेषताएं होती हैं, शारीरिक बदलाव होते हैं, जो कि एक बच्चे से, जब वो बच्चा किशोरावस्था की दहलीज पर जब कदम रखता है, तो उसके शरीर में वो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से गुण वो दर्शाते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो का दोस्तों, वो रहेगा उनकी जो शारीरिक पार्ट, जो शारीरिक पार्ट है उसी पर। यानी कि हमारा जो, हम मनोवैज्ञानिक जो विशेषताएं हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, ज्यादा समय लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा विषय है वो है किशोरों की विशेषताएं। दोस्तों, ये जो इमेज आपके सामने है, ये देखिए आप किस तरह से, ये दोनों इमेज एक तरह से जो समाज का जो दृष्टिकोण है किशोरों के प्रति, उनको ये दर्शा रही है। इनके ऊपर एक सामाजिक, दोस्तों का, परिवार का, उनका जो एक प्रेशर है, ये देखिए। और इधर, और वही किशोर किस प्रकार अपने आप को एक स्वच्छंद होना चाहता है, स्वायत्तता वो चाहता है, अपने हिसाब से वो ड्रेसिंग करना चाहता है, वो नई नई चीजों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और वो जीवन, इसके आप देखिए हेयर स्टाइल जो किसी ने बनाया है, ये एक कार्टून साहब है, कार्टूनिस्ट साहब है, उन्होंने बहुत बढ़िया इसको बनाया, दर्शाया है कि वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट, एक तरह से प्रयोग करना चाहता है अपने जीवन संबंधित। अब उस अर्थ क्या होता है एडोलेसेंस का, एडोलेसेंस होता ही है किशोरावस्था। ये शब्द लैटिन भाषा का है, एडोलेसेंस जो है, जो एडोलेस्केर क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है वयस्कता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था यौवन की शुरुआत के बाद की अवधि, जिसके दौरान एक युवा बच्चे से एक वयस्क में विकसित होता है। दोस्तों, ये जो यौनारंभ है, इसको अंग्रेजी में प्यूबर्टी कहते हैं, जब बच्चे में इस यौनारंभ होता है, या प्यूबर्टी की जब शुरुआत होती है, उससे लेकर जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, तो उसके बीच का जो समय है उसको हम किशोरावस्था कहते हैं। स्टेनले हाल ने जो किशोरों पर बहुत वृद्ध कॉम्प्रिहेंसिव काम किया है, तो वो बताते हैं कि जो किशोर होते हैं वो एकांत और एकांत की इच्छा रखने वाले के रूप में वर्णित किया है उन्होंने उनको, कि वो जो है एकांत को बहुत पसंद करते हैं, साथ साथ में वो उस समय एकांत को चाहते हैं, यानी कि उस स्थिति में एकांत को वो चाहते हैं जब वो खुद को दीवानगी और दोस्ती में उलझा हुआ भी पाते हैं, पैशनेट होते हैं वो, ठीक है, और वो अपने दोस्तों के साथ बड़ा उलझे हुए हैं, दोस्तों का बहुत आभार प्रकट करते हैं, दोस्तों के साथ अपना अधिकतर समय वो बिताते हैं, इसके बावजूद भी वो एकांत प्रिय होते हैं, एकांत उनको बहुत ज्यादा वो पसंद होता है। तो ये बड़ा अजीब सा आपको लग रहा होगा कि एक अलग अलग दोनों बातें हम कह रहे हैं, कि दोस्तों के साथ भी वो खुद दीवानापन उनके अंदर होता है किसी भी काम को करने का, और एकांत भी चाहते हैं। तो यही तो किशोरावस्था है, एक चीज से दूसरे व्यवहार में, एक व्यवहार से दूसरे व्यवहार में बहुत जल्दी से परिवर्तित होना, और जो व्यवहार परिवर्तित होते हैं वो भी एक्सट्रीम लेवल का होता है, वो हम विशेषताओं में इनकी बात करेंगे। आगे देखिए, मार्गरेट मीड और 1949 में और psyking.net पर जो अवेलेबल है वो बताते हैं। तो ज्यादातर जो समाज होते हैं, सोसाइटीज हैं, उनमें किशोरावस्था को पुनर्संयोजन और संभव पुनर्विन्यास की अवधि को कहा जाता है। ये दो चीजें आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फ्रेंड्स। रीएग्जामिनेशन क्या है? एग्जामिनेशन मतलब एक तरह से अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट और अपने आप को जानना, ये सारी चीजें आती है री एग्जामिनेशन में। डरना नहीं भाई, ये री एग्जामिनेशन का मतलब आपका रीअपीयर वाली बात नहीं है। री एग्जामिनेशन अपने आप को एग्जामिन करना, अपने आप की जो संवेग है, जो भावनाएं हैं, जो विचारधारा है, उस सब को एग्जामिन करना, पुनर्संयोजन इस समाज के साथ, इस दुनिया के साथ, अपने आप के साथ, एनवायरमेंट के साथ पुनर्संयोजन, वो है री एग्जामिनेशन। और री ओरिएंटेशन यानी कि जो बचपन में
बाल्यावस्था में जो उस बच्चे की विचारधारा थी, जो उसके बिलीफ सिस्टम था, उन सब का रीओरिएंटेशन होता है, वो उनका पुनर्विन्यास, विन्यास मतलब वो दोबारा से अपना नई विचारधारा को विकसित करते हैं, नई अपनी सोच को विकसित करते हैं। मैंने बताया था और हम डिस्कस करेंगे कि मेटा कॉग्निशन की भी एक गुण है, वो भी इस समय किशोरों में डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, हम थोड़ा सा ये अर्थ था और एक्सप्लेनेशन था किशोरावस्था क्या है। अब विशेषताओं पर बात करते हैं। देखिए ये इमेज आपको साफ साफ दिखा रही है, ये आप देखेंगे कि किशोर जो होते हैं वो जनरली इस बात पर थोड़ा सा वो अपने शरीर पर ध्यान देने लगते हैं किस प्रकार से। देखिए ये बच्चा जो है इन साथ में जाने वाले अपोजिट जेंडर हैं, लड़कियों को वो देख रहे हैं, झुककर पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ये लड़की देखिए चेहरे पर अकने एक्ने हो सकते हैं, जो फुन मुहासे होते हैं उनको ध्यान दे रही है। यानी कि ये देखिए एडोलेसेंस की ये जो क्रियाएं हैं, अच्छा नेट से मैंने लिया है और ये वेबसाइट है जहां से मैंने लिया है, तो बड़ा अच्छा चित्रण किया गया है किशोरावस्था का। तो आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं जो किशोर होते हैं उनका व्यवहार किस तरह से होता है। शुरुआत करते हैं इनकी विशेषता है यौवनारंभ प्यूबर्टी, ठीक है। हार्मोनल परिवर्तनों द्वारा आरंभ हुई किशोरावस्था का सबसे स्पष्ट जैव शारीरिक संकेत होता है, यानी जो फिजिकल बायोफिजिकल जो उसका सिग्नल होता है कि कब किशोरों जो बच्चा है किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है। तो प्यूबर्टी की जो शुरुआत होती है इसको यौवनारंभ कहते हैं, यानी कि और वो किससे प्रारंभ होता है, हार्मोन से। जो हार्मोन्स होती हैं वो बहुत सारा रश होता है, बहुत सारा एकदम से बहुत आने शुरू होती हैं, डेवलप होने शुरू होती हैं और इसी से उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है, तो वो होता है यौवनारंभ। यानी कि जैसे यौवनारंभ होता है या प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बायोफिजिकल संकेत होता है कि बच्चे के अंदर किशोरावस्था आरंभ हो चुकी है। दूसरी बात, जब वो किशोर वो परिवार का एक सदस्य, आज तक इसको हम बच्चा कहते थे, वो जब अपने परिवार के सदस्यों की तुलना में अपने दोस्तों को ज्यादा अहमियत देने लगे, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, तो समझ लेना कि किशोरावस्था आरंभ हो चुकी है। यानी कि बच्चे जो किशोर अब जो बन गया है वो अपने परिवार से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। कारण क्या है इसका, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स विकसित होने लगते हैं, उसकी लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, आवाज में भारीपन, शरीर का जो द्रव्यमान है उसका पुनर्वितरण यानी जो बॉडी का जो मास है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बॉडी की एक शेप बननी शुरू हो जाती है। शरीर के जो अंग होते हैं जैसे हाथ और पैर, जब बचपन में जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसके हाथ और पैर उसके शरीर का जो बॉडी का जो अनुपात है, जो रेशो है, उसके रेशो में वो डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मसल्स जो है, मस्कुलर जो सिस्टम आपका है, उसका जो द्रव्यमान मास है उनका, उसमें भी बढ़ोतरी होने लगती है, बॉडी में शरीर में मैचुरेशन की शुरुआत हो जाती है इन सारी चीजों से। मतलब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों के अंदर विकसित होने लगते हैं वो सारे के सारे क्या है, शारीरिक विशेषताएं तो हैं और वो कुछ नहीं है, और सभी को पता है, आप सब जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से वो होते हैं। अब मुझे ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, बड़ा इंटरेस्ट आता है उनको अपनी छवि निर्माण, मतलब मेरी इमेज कैसी है समाज में, मेरे दोस्तों में, खास करके मेरे परिवार में, और अपने आप को आकर्षक दिखाने की उसके अंदर जबरदस्त चाह होती है, बहुत बड़ी इच्छा होती है, बहुत वो लगभग काफी समय वो शीशे के सामने बिताते हैं, अपने कपड़ों पर वो ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मुझे जो दिखना है, और बालों का स्टाइल, अपने पहनने का स्टाइल, और ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं कि उनको लगता है कि लोग दूसरे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में, इसको पर्सनल फेबल और इमेजिन ऑडियंस की बात करते हैं। उन चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, उन अवधारणाओं को सेटिस्फाई करने के लिए जो किशोर हैं अपने आप को आकर्षक दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। और देखिए शारीरिक गतिविधियां यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज और निष्क्रियता, बिल्कुल आराम से पड़े रहना, इनएक्टिविटी के चरम के बीच अत्यधिक परिवर्तनशीलता, इसका एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों क्या होता है। अभी आप किशोर जो है
बड़े तेजी से खेल रहे हैं, बड़ा हंगामा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और कुछ ही देर में आप देखेंगे बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, चुपचाप अपने किसी बात में, सपनों में, इमेजिनेशन में खो जाएंगे। चरम एक्सट्रीम दोनों, अगर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो वो भी बहुत खूब करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, एक दिन में जिम में सोचेंगे आज ही हम पूरा की तरह बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, और जब वो इनएक्टिव रहेंगे तो सारा दिन बेड पर, खाट पर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये होता है फिजिकल एक्टिविटीज और इनएक्टिविटीज के चरम एक्सट्रीम के बीच में परिवर्तनशीलता। आगे देखिए, कैरियर और व्यवसाय के प्रति जागरूक होने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारा कैरियर बनाने का समय है और हमें कौन सा व्यवसाय चुनना है। वो जागरूकता, वो अवेयरनेस, वो चेतना उनके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती है। जोखिम भरे व्यवहार करना तो आजकल किशोरों का जीवन का एक अंग बना हुआ है और बन भी गया है। मैं बताऊंगा आपको कि आजकल का शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया दोस्तों, और जो ये एडवर्टीजमेंट आती हैं अलग अलग चीजों की, वो भी इस दोस्तों के जो किशोर हैं उनके इस जोखिम भरे व्यवहार का फायदा उठाती हैं। जैसे एक कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है, कोल्ड ड्रिंक शरीर के लिए कितनी खतरनाक है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और वही कोल्ड ड्रिंक की ऐड दिखाती है रिस्क उठा नाम बना। देखिए, कौन उठाएगा रिस्क? कोई बुजुर्ग उठाएगा? कोई बच्चा उठाएगा? नहीं, वो फोकस करते हैं किशोरों पर, एडल्ट समझदार हो जाता है लेकिन वो किशोरों पर फोकस कर रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और रिस्क उठाते हैं और बहुत बार तो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। आजकल देखिए, एक सेल्फी, रिस्की सेल्फी लेना, वो है ना रिस्क उठा नाम बना वाली बात, किस तरह से ये लोग इन किशोरों का शोषण कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक शोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको समझने की आवश्यकता है, अगर आप किशोर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका शोषण हो रहा है, आपका शरीर भी खराब हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीकर, और आपका जेब भी खाली हो रही है। ठीक, आप जोखिम भरी सेल्फी लेते हैं पहाड़ों पर, चलती हुई ट्रेन के सामने, रोड पर, कोई बहुत बड़ी नदी बह रही है, बांध पर जाकर लोग सेल्फी लेते हैं, जोखिम भरा व्यवहार करते हैं, साथियों के साथ मिलकर अत्यंत क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सारे उत्साहपूर्ण प्रयोग कर लेते हैं जिसका क्या हो सकता है आगे उसका अंदाजा नहीं होता, और जोखिम भरा यौन व्यवहार करते हैं, अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, नहीं अंदाजा उनको होता है कि क्या उसका परिणाम हो सकता है, और वो दवाओं के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारा उनका ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एक चीज मैं आपको मैं या बता रहा हूं कि अत्यंत उत्साहपूर्ण या प्रयोग करते हैं, जोखिम भरा व्यवहार करते हैं दोस्तों, इससे बचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगला उनका विशेषता देखिए आप, कि जीवन संबंधी विकल्प, यानी कि आपके लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चॉइसेस होती हैं, डिसीजंस होते हैं, जैसे कि जीवन साथी का चुनना, दोस्तों का चुनना, कि आपके दोस्त कैसे रहेंगे, वो कौन सा रोजगार वो चुनना चाहते हैं, कौन सा विषय वो पढ़ना चाहते हैं, कौन सा वो काम करना चाहते हैं, वो किस प्रकार सोना उठना चाहते हैं, ये सब क्या चीजें हैं, जीवन से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, विकल्प होते हैं। इनके बारे में, इनके चुनाव के बारे में किशोर स्वायत्तता और स्वतंत्रता चाहता है, यानी कि वो जीवन साथी उसको चुनना है तो उसको स्वतंत्र हो वो खुद चुने, ना कि उसके माँ बाप चुने, कौन से उसको दोस्त चुनने हैं, क्या उसका रोजगार होगा, वो कब सोएगा, कब उठेगा, ये सारी चीजें उसमें जो किशोर है स्वतंत्रता चाहता है, उसकी बहुत बड़ी इच्छा होती है कि मुझे कोई रोकी रोका टोकी ना करे, और ये उसका एक बहुत विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता होती है। अब दोस्तों, अब कुछ हम निष्कर्ष, अब कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, शारीरिक विकास होता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर विकसित होते हैं, स्वायत्तता और स्वतंत्रता की भावना और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों चीजें उसके अंदर, बहुत बड़ी इच्छा होती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है क्योंकि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर विकसित होते हैं, हार्मोनल रश होता है और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि ऐसा क्या है दूसरे लिंग के अंदर, हार्मोन्स के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, गौण यौन विशेषताओं का विकास, जोखिम भरा व्यवहार करना बहुत बड़ी विशेषता है, और इसी का दोहन करती हैं ये एडवर्टाइजमेंट और कोल्ड ड्रिंक कंपनियां। अधिकार प्राप्त व्यक्ति की अवहेलना, यानी जिस व्यक्ति के पास अथॉरिटी है, घर में पापा है, मम्मी है, स्कूल में टीचर है, वो जो कहेंगे उसका उल्टा ही करना, चाहे उनके लिए सही हो, उल्टा करना मतलब उसकी अवहेलना एक बार करना। अगर कहेंगे, टीचर कहता है कि चुप हो जाए बैठ जाइए तो ज्यादा शोर करेंगे, कहेंगे चलो बहुत तोड़ तेज हंसी है तो चुपचाप बैठ जाएंगे, मतलब उसकी अवहेलना उनको करना, ये बड़ी विशेषता होती है। सामाजिक मानदंडों से प्यार और नफरत का रिश्ता, यानी सोशल नॉर्म्स हैं, हेट लव रिलेशनशिप होता है सोशल नॉर्म के साथ, उसको मानना भी चाहते हैं और अस्वीकार करना भी चाहते हैं, कभी तो वो मानते हैं तो पूर्ण रूप से
स्वीकार अस्वीकार करते हैं तो पूर्ण रूप से। और दोस्तों अंतिम बात मैं कहता हूं, रोल मॉडल और विचारधारा का चयन, यही वो जीवन का क्षण है, यही वो जीवन की गोल्डन या स्वर्णिम युग है, अवस्था है, जब व्यक्ति, जब बच्चा, जब किशोर अपने जीवन की च्वाइसिस बनाता है और अपने जीवन को बनाया बिगाड़ सकता है, और इसी अवस्था में अपना रोल मॉडल वो चुन लेता है, अपनी विचारधारा का वो चयन कर लेता है, वो प्रिफर करने लगता है इन सब चीजों को। और अगर दोस्तों एक बात, अगर आप किशोर हैं तो आपके लिए बताता हूं, स्वर्णिम काल है, आप अपना जीवन इसमें बना और बिगाड़ सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि किशोरों को गाइड करना बहुत ही आसान काम है, पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको किशोरों की तरह ही सोचना होगा, और अगर आप टीचर हैं तो उनको डील करना काफी आसान और बेहद मनोरंजक है, इस बात का गारंटी होगी। यानी कि अगर आप उनकी तरह सोचेंगे और उनके करीब जाकर उनकी विचारधारा से आप विचारधारा को मिलाएंगे और उनके साथ सिंक्रोनाइज करेंगे, तो आपको मैं एक बात और बताता हूं, अगर आप टीचर हैं तो अगर किशोरों का आपको विश्वास जीतना है तो आप उनकी तरह सोचिए और एक बार जरूर उनके कंधे पर हाथ रखकर पीठ थपथपा दीजिए, आप देखिए कि किस तरह किशोर आपकी बात मानना शुरू करते हैं और किस प्रकार आपके कहे अनुसार वो चलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, एक तरह से रिइंफोर्समेंट होता है, वो समझते हैं कि खासकर कोई ना कोई तो है जो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों, ये रहा मेरे रेफरेंसेज संदर्भ, आप यहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और जो हमारी अगली वीडियो होगी किशोरों की विशेषताएं यानी कि मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको जरूर देखना, वो भाग दो होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, अगर कोई क्रिटिकल कमेंट है, कोई बात मुझे आप कहना चाहते हैं तो मेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मेरे ईमेल varmasujit@yahoo.com पर लिख सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसके कंटेंट आपको पसंद है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई चीज पसंद नहीं आती है और कोई चीज खराब लगती है, आप डिसलाइक करने लगते हैं इस वीडियो को किसी भी कारणवश, तो दोस्तों वो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे आपके खासकर उन कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वंस अगेन, हृदय की गहराइयों से इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।